तो जी चलिए शुरू करते हैं कच्चे आम की खीर। कच्चे आम ले लेते हैं, सबसे पहले इसे ग्रेट कर लेते हैं छिलका उतार के। चलिए आम को ग्रेट कर लेते हैं। तो आम हमने ग्रेट कर लिया, तो अब हमें आम बॉईल करना है और हम कढ़ाई ले लेते हैं। पानी डाल लेते हैं और मैंगो को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। इसको ढक के बॉईल करेंगे और इसमें से इसकी खटास निकाल देंगे। दो कारण है ये करने के, एक तो खटास निकल जाएगी, दूसरी जब आप दूध बॉईल करेंगे ना तो दूध फटेगा नहीं। तो ये कढ़ाई हमने यहाँ दूसरे गैस पे रख दी, अब दूध उबालने रख देते हैं और विनोद कुकवेयर का लेगेसी कास्ट आयरन कढ़ाई ले लेते हैं जिसमें हम दूध बॉईल करेंगे। ये लीजिए, ये हैवी ड्यूटी लॉन्ग लास्टिंग कास्ट आयरन कढ़ाई है और कास्ट आयरन में खाना बनाना उसके बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि कास्ट आयरन में जब आप खाना बनाते हो तो आपको आयरन का पोर्शन बढ़िया मिलता है और न्यूट्रिएंट्स का पोर्शन वो भी बढ़िया मिलता है। दूध उबालने रख लेते हैं। दूध को बढ़िया गाढ़ा करना है और चलाते रहना है, ठीक है जी। आज भी मुर्शिदाबाद के आम बहुत फेमस है, खास तौर से जब कच्चे रहते ना उनका अचार बहुत बढ़िया बनता है। और दूध यहाँ पे गरम होने को आ गया है, आम चेक कर लेते हैं। वाह, आम देखिए क्या बढ़िया उबल गए, इसको हम छान लेंगे। वाह क्या बात है, ये लीजिए आम को छान लिया हमने। अब ये दूध में हम शक्कर डाल लेते हैं, ठीक है जी, और इसको गाढ़ा कर लेते हैं। ये बढ़िया दूध गाढ़ा कर लिया हमने, अब आम डालते हैं। वाह बढ़िया क्या बात है, थोड़ा सा खोया डालेंगे, केसर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा रोज वाटर, ये लीजिए एक फाइनल स्टर दे देते हैं। मैंने परोसने की तैयारी कर रखी है, केसर डालेंगे इसमें। वाह जी, हमने तो मुर्शिदाबाद की कच्चे आम की खीर बना दी, शहर वाली की स्टोरी सुना दी और ये डिश भी तैयार हो गई।